नाम क्या? आशा, तुमको कौन पूछा? इसका अपना नाम मालूम नहीं? क्या नाम है? आशा। आशा, आशा, आशा क्या? बाप का नाम नहीं? आशा सोहनलाल। हाँ, ऐसा बोलो। चलो इधर आओ। बैठो। ए उधर नहीं, ए बाजू आओ। तुम्हारा बाप क्या काम करता है? मिसेस टीसा, इनका बाप बचपन में मर गया था, तभी तो बेचारे को खुद काम करना पड़ता है। हम पूछता है, जब जिंदा था क्या काम करता था, क्या धंधा करता था? बोलो आशा, बोलो। मेरा बाप फर्नीचर। तुम्हारा बाप फर्नीचर? फर्नीचर नहीं मालूम मिसेस डिसा? हाँ, वो सुतार किला ठोकने वाला किला। शर्म आती है। इसमें शर्म आने का क्या बात है? हमारा जीजस भी सुतार था। हाँ। अरे मेहनत आदमी को खुदा का नजदीक लेकर जाता है। बिल्कुल ठीक। तुमको खाना पकाना आता है? बहुत फर्स्ट क्लास खाना पकाती है मिसेस डिसा। तुम उंगली काट लेगा। तुम चुप रहो ना तो हम तुम्हारा जबान काट लेगा। चलो हमारे साथ किचन में आओ। ऑमलेट कभी खाया? जी हाँ, रोज खाती हूँ। मेरा मतलब है, मालकिन बनवाती है ना, तो बचा खुचा मुझे भी मिल जाता है। बहुत फर्स्ट क्लास ऑमलेट बनाता है मिसेस डिसा। हम खाया, हम खाया। हाँ मिसेस डिसा, आज हम खाएगा। लो तोड़ो अंडा, बनाओ ऑमलेट। माए, अरे इधर से उठा कर लाया ये छोकरी को। इसको अंडा तोड़ना भी नहीं आता है। सीख जाएगा मिसेस डिसा, सीख जाएगा। बुड्ढा तोता क्या सीखेगा? तुमको कोई बताया नहीं, सब छोकरी लोग को एक दिन शादी बनाना है, एक दिन माँ बनना है। फैशन तो देखो, असली मैम साहब भी शर्मा जाएगा। आशा आशा, तुम उनकी बातों को बुरा मत मानो। मिसेस डिसा का ये मतलब नहीं था। वही मतलब है, बराबर वही मतलब है। हम जो बोलता है वही मतलब होता है। आशा, ए अनाड़ी, तुम किधर जाता है? वो आशा, तुम ऊपर जाओ।